सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एमपी पुलिस वैकेंसी की जैसा कि आज अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अभी आपके मन में सवाल ये आ रहे होंगे कि क्या कैसे भर्ती होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक होगा एग्ज़ाम, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं, कितनी एज होनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड सिलेबस क्या रहेंगे और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, मेडिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, कहाँ कितने नंबर रहेंगे, इन सारे सवालों के जवाब एक पीडीएफ के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। अगर ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एसबी स्टूडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको दिख रहा है, तिरंगे वाली डीपी लगी है, 1900 मेंबर यहाँ पर ऑलरेडी एड अप है। तो ये पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दूंगा और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं वापस पीडीएफ पर और डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी नए बच्चे भर्ती होना चाहते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये सारे सवाल आपके मन में आने वाले हैं, तो मैं उनका निराकरण पहले ही कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जब भी एमपी पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल सबसे ज़रूरी, कहानी शुरू तब होगी जब फॉर्म भरे जाएंगे। तो कब से भरे जाएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म? तो ये नोटिफिकेशन आपको ईएसबी की साइट, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइट पर जो है ये नोटिफिकेशन आपको जुलाई तक देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द दैनिक भास्कर न्यूज़। ठीक है, इसमें चेंजेशन भी हो सकता है अगर व्यापम चाहे तो, व्यापम बोले तो ईएसबी। उसके बाद कब तक होगा एग्ज़ाम? तो जैसा कि हमें पता है कि 6 जनवरी से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए अक्टूबर से जो है आचार संहिता लगने वाली है। तो 6 से ये जो है आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो सितंबर 2023 तक इसके जो है एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आचार संहिता में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जितना गवर्नमेंटल स्टाफ है जो वो चुनाव की प्रक्रिया में संलग्न होता है, उसमें ड्यूटी करता रहता है, तो फिर जो है आचार संहिता के नियमों के अनुसार भर्ती परीक्षा कराना संभव नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मैं तो खाली 10वीं पास हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी हाँ, अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल बनना है, तैयारी करना है, तो आप केवल 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसमें ना परसेंटेज की ज़रूरत है, ना 12वीं की ज़रूरत है, ना ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये है तो अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का इसमें मतलब नहीं है, केवल 10वीं पास होना आवश्यक है और आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो अदर स्टेट से हैं, उनके मन में सवाल आता है कि सर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का लगभग 50-60% जो फोर्स है वो अदर स्टेट से ही है। एमपी का तो 50% ही है, और हमारे अगर एक थाने में जो है अगर 70 का स्टाफ है तो उसमें से 30-35 जो स्टाफ जो है वो अदर स्टेट का ही होता है। तो ये सवाल का भी हमने यहाँ पर समाधान कर दिया, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, आपका केवल भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अब एज की बात आती है, तो एज जो है मिनिमम एज की ज़रूरत पड़ती है हमें 18 साल, कम से कम 18 साल का होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक डेट दी रहेगी कि फलानी डेट को आप 18 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुके हो, और मैक्सिमम एज जो है वो 33 वर्ष होती है, मैक्सिमम एज जो है 33 वर्ष है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए पिछली बार तक जो है 5 वर्ष की छूट दे दी जाती थी, तो 38 वर्ष का कैंडिडेट भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता था। जैसे होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक के केसेस में भी अतिरिक्त छूट है, एससी एसटी के केसेस में भी अतिरिक्त छूटें दी गई हैं, जो कि रूल बुक आने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की हम बात कर लेते हैं, जिसकी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है, अगर आपको इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है। पिछली बार का कट ऑफ तो आप सभी ने देख लिया था कितना हाई गया था। तो सब्जेक्ट एंड सिलेबस की बात करते हैं, तो इसके नाम पर आपको लिखा मिलेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का। ऐसे 100 नंबर का पेपर आता है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट के नाम जब आपके सामने आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं सरल शब्दों में सिलेबस को एलेबोरेट करता हूँ, तो इसमें मैं बता दूँ कि आपको मैथ्स जो है गणित 35 नंबर की देखने को मिलेगी, रीजनिंग जो है 30 नंबर की देखने को मिलेगी, साइंस जो है 10 से 15 नंबर की देखने को मिलेगी, एमपी जीके जो है वो 10 नंबर का देखने को मिलेगा,
और मिसलेनियस जीके जो है वो आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 100 नंबर का आएगा पेपर आपका, एक प्रश्न के लिए एक अंक होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं और एलैबोरेट करूँगा, अभी आप बने रहें वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। और जो भी हमारे ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट एक पुलिस वाला ही आपको दे सकता है पुलिस के बारे में। सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड द करेक्ट टाइम इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आपको रोजगार पंजीयन की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, दसवीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है जो कि आपके जन्म प्रमाण पत्र के तहत भी काम करती है, मतलब एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आप दसवीं की अंक सूची को दे सकते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ST, SC और OBC के लिए लगता है, निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए लगता है, अदर स्टेट वालों को अदर स्टेट की जगह का जो है निवास प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट वालों को भी रोजगार पंजीयन यहाँ पर करवा लेना है। आप किसी भी मध्य प्रदेश के जिले से जो है अपना रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। भाई आप भारत के नागरिक हैं, आप इच्छुक हैं कि आप मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जबलपुर जिले से जो है अपना रोजगार पंजीयन करा लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और एक और बात बता दूं मैं कि आपको समग्र आईटी की आवश्यकता भी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। बुक्स की बात कर लेते हैं तो मैथ्स के, अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर गणित पढ़ें, किस लेवल का पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। आप चूंकि आप पढ़ चुके हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैथ्स आपका 30 से 35 नंबर का जो आता है, आप राकेश यादव का CGL की जो बुक आती है बोथ मॉड्यूल आप कैरी ऑन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद प्रेफर करी थी, उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आपको पहले बेसिक पे काम करना पड़ेगा, देन आप राकेश यादव की बोथ मॉड्यूल जो है नंबर वन प्रायोरिटी पर है मेरी, उसको आप फॉलोअप कर सकते हैं। आप कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसको आप फॉलोअप कर सकते हो, उसमें आप बेसिक मैथ सीख सकते हो, उसके बाद जो है ट्रिकी मैथ्स की ओर जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं और बहुत सारे बच्चे अभी कर भी रहे होंगे, RS अग्रवाल की एक पतली सी बुक आती है उससे भी आप बेसिक अच्छा सीख सकते हो। उसके बाद जो है एकदम से अगर आप राकेश यादव की बुक उठाओगे और उसको करोगे तो वो ट्रिक आपको समझ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अगर अच्छा है देन यू कैन गो विद द राकेश यादव बुक्स, जो हैंडमेड बुक्स है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के पेड सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज मैथ्स को पढ़ाया जाता है। लाइक बिनर इंस्टीट्यूट आदित्य पटेल सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, व्यापम ESB के लिए बेस्ट है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की हम बात करें तो लूसेंट की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया और उसमें जितने एक चैप्टर एक यूनिट में जो सवाल दिए रहते हैं, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं 50 से 55, अगर आप एक एक यूनिट कितने प्रश्न लगाएंगे तो डेफिनेटली यू आर मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे आप रीजनिंग में, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई और बुक प्रेफर करें। मैंने पर्सनली जो है लूसेंट की वर्बल रीजनिंग को फॉलोअप किया था। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप पुणेकर की व्यापम सोल्ड पेपर को भी लगा सकते हैं। एनी पेड और फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से लाइक यूट्यूब ऐप और कहीं से भी जो है आप रीजनिंग के सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हैं। देख लेना यार, पिछली बार तो वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे। अब कई लोग उसको मैथ्स में मानते हैं, कई लोग उसको रीजनिंग में मानते हैं। अंतोगत्वा जो है हम उसको सॉल्व करके आंसर देके नंबर ला के सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि वो मैथ्स से है कि रीजनिंग से है, ठीक है। क्योंकि अब अगर जो व्यापम सिलेबस लिख के देती है अगर आप उसको पढ़ने जाओगे तो वो खुद अपने आप में आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान एकम तार्किक ज्ञान उन लोगों को हो गया, अब तार्किक ज्ञान अपने आप में रीजनिंग है लेकिन बौद्धिक क्षमता भी तो अपने आप में रीजनिंग है, तो ऐसा इसको नहीं देखना है। मैंने आपको बता दिया मैथ्स रीजनिंग, जनरल साइंस की बात कर ले हम तो लूसेंट जनरल साइंस स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं जो रेलवे के लिए आती है। MCQs लगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। MPG के आता है तो उसके लिए अरिहंत महावीर पुणेकर की लेटेस्ट बुक्स आती हैं वो आप ले सकते हैं, MCQs ले सकते हैं। और मिसलेनियस GK की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, करेंट अफेयर सारे प्रश्न आते हैं और ये सब मिला के जो है 8 से 10 नंबर का ही आता है। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस पोर्शन पर जो है ज़्यादा मेहनत करना है। आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि लॉट मोर पोर्शन कवर अप टू द मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल। आपको ज़्यादा मेहनत MP GK और करेंट अफेयर के लिए नहीं देना है। यह एक ऐसा एग्जाम है जो आपका मैथ्स रीजनिंग बेस है, जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ठीक है।
तो ये बता दिया। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें नहीं डाली है पीडीएफ, वो जो गिफ्ट है वो पीडीओ देखने वालों के लिए ही बस है, जो पीडीएफ के भरोसे हैं उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि भाई आपको 2017 के और 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मेरा सिलेक्शन जब हुआ था मेरे 100 में से 81 मार्क्स आए थे, 81 नंबर आए थे 2017 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो मतलब क्या कहना चाहिए, ब्रह्मास्त्र था मेरा जो रिदम बना प्रैक्टिस करने का, और जो मैंने 2 घंटे में पेपर को पूरा कर लिया। तो मैंने 70 से 80 जो है प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स लगाए थे। एक महावीर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके एक बुकलेट आता था मोटा सा, वो मैंने परचेज़ किया। उस समय में हमारे समय में 2017 में ऐप और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उतना क्रेज़ नहीं हो पाया था उस समय, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था। उतना लोग प्रेफर नहीं करते थे ऑनलाइन पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो उस समय मैंने उससे पूरे 70 से 80 सेट पेपर लगाए और बहुत मेहनत जो है काम आई एग्ज़ाम में। तो वो मेहनत अभी भी काम आती है। आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं? तो आपको वो लगाने ही लगाने हैं ताकि आप जो है समझ पाएँ कि पेपर का लेवल क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन काम का है इसलिए बने रहिएगा। फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट PPT 100 मार्क्स का होना है, जो कि आपकी GOP में दिया गया है, जो एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। इस बार फिजिकल में नंबर ऑफ पोस्ट का 7 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, इसलिए कट ऑफ पिछली परीक्षाओं की अपेक्षा PPT के लिए कम रहने वाला है। क्योंकि जब 5 गुना बुलाए जाते थे तो थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार जो है 7 गुना बुलाया जाएगा, तो थोड़ा कम नंबर वाले भी फिजिकल देने आएंगे, क्योंकि वो इस बार स्कोर करने वाले हैं अच्छा। कहाँ पर? फिजिकल में। बच्चों को ज़्यादा बुलाने का अभिप्राय यह है कि जो बच्चे अच्छा दौड़ते हैं, जो अच्छा कूदते हैं, जो अच्छा शॉट पुट मतलब गोला फेंकते हैं, वो भी आगे आ सकें और सिलेक्शन ले सकें, इसलिए 7 गुना बच्चों को फिजिकल देने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपका जो रनिंग है वो 40 मार्क्स की होने वाली है, शॉर्ट पुट जो है 30 मार्क्स का होने वाला है, और लॉन्ग जंप जो है 30 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें नंबर का आवंटन ऐसे किया जाएगा जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिजिकल में जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो उतने अच्छे नंबर लेकर आएगा फिजिकल में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, कंप्यूटर बेस्ड CBT के नंबर और PPT मतलब प्रोफेंसी आपका फिजिकल प्रोफिशिएंटी टेस्ट के नंबर, दोनों को मिला के 200 नंबर में से जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसको कैलकुलेट किया जाएगा जिसके आधार पर पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होगा देन उसका फिर मेडिकल होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन होने के बाद यदि आपकी यूनिट में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो मेडिकल टेस्ट के लिए निम्न चेकअप किए जाते हैं, जैसे कि आपका हाइट, चेस्ट, आइस, नॉकनी, फ्लैट फिट। ये मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी विस्तृत जानकारी चाहिए है कि मैं MP पुलिस कॉन्स्टेबल में मेडिकल में क्या क्या होता है, चूँकि मैंने हजारों वीडियो जो है MP पुलिस कांस्टेबल पर बना रखे हैं उसके मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, दौड़ना कैसे है, हर एक चीज़ पर वीडियो बना रखे हैं। आप जब मेरे चैनल को खंगालोगे तो 1500 वीडियो में से 800-700 वीडियो जो है MP पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मिलेंगे आपको। मैंने बहुत सारा नॉलेज शेयर कर रखा है। तो उसी क्रम में यहाँ पर मैंने एक अपने वीडियो की लिंक दे रखी है, वीडियो का टाइटल है मेडिकल की कहानी शुभम सर की जुबानी। लगभग 12,000 व्यूज़ उस वीडियो पर है, और इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो सीधा ये हमें यूट्यूब पर ले जाती है, और यहाँ पर जो है वो लिंक खुल जाएगी। चूँकि अभी मैंने फ्लाइट मोड में कर रखा है इसलिए नहीं खुली है, लेकिन जब ये PDF मैं आपको दे दूँगा तो सीधा आप इस लिंक से उस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है। मैंने बारीकी से उन चीज़ों को डिस्कस किया है, साथ ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाया है कि मैंने क्वालिफाई किया था तो क्या क्या चीज़ें चेक हुई थी और कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 14-15 मिनट का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, आपकी तैयारी को एक दशा और दिशा देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, SB स्टूडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं अपने वीडियोस की लिंक आपको देता रहता हूं, साथ ही ये PDF भी मैं आपको वहां पर प्रदान कर दूँगा। तो वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट, सकारात्मकता के साथ लग जाइएगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आज से लगेंगे, उनका नहीं जो भर्ती आने के बाद लगेंगे, ये बात मेरी याद रखना। और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपका कि आपने तैयारी कब चालू करी थी, इसलिए नहीं हो पाया था।
तैयारी आज से चालू करेंगे तो हाँ बोलेंगे कि सर आपने मेरी बहुत मदद करी, मेरे पास रोज़ हज़ारों टेलीग्राम पर मैसेज आते कि सर आपने बहुत मदद करी, बहुत मार्गदर्शन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वो ट्रेनिंग सेंटर से बच्चे अपने डाउट पूछते हैं और बातें करते हैं तो अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए सिलेक्ट हो रहे हैं अपने थोड़ी सी मेरी एफर्ट के कारण। तो मैं आप सभी के लिए मेहनत करता रहूं, ऐसा मोटिवेशन हमें दीजिएगा। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।